दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE ने अपने प्रतिदर्श प्रश्न पत्र अपनी साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन प्रश्न पत्र से हमारा फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है आगामी परीक्षा 2021 में एग्जामिनेशन पेपर किस बेस पे आएगा, उसमें किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने अंक भार के होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 के हिंदी बी की। दोस्तों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को एक्सप्लेन करने से पहले एक नजर हम डाल लेते हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम में आपका जो फर्स्ट सेक्शन है अपठित बोध, अपठित बोध में से अपठित काव्यांश को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इस पे आधारित क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपठित गद्यांश होंगे। इसके बाद आते हैं हम व्यवहारिक व्याकरण पे। व्यवहारिक व्याकरण में बहुत ही अनोखा टॉपिक पदबंध को ऐड किया गया है। इसके लिए इन्होंने शब्द और पद तथा अशुद्धि शोधन को हटा दिया है। इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक पे अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक में आप स्क्रीन पे देखे हुए चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी सभी चैप्टर्स को हटा दिया है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके गद्य भाग का जो चैप्टर नंबर 7 है पतझड़ की टूटी पत्तियां, इसके दो पार्ट हैं, गिन्नी का सोना तथा झील की देन। गिन्नी के सोने को हटाया गया है जबकि झील की देन में से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लेखन की। लेखन में एक टॉपिक लघु कथा लेखन को ऐड कर दिया गया है जिसपे पूछे गए क्वेश्चन प्रस्थान बिंदु पर आधारित होंगे तथा संवाद लेखन को हटा दिया है। तो ये था अब तक का पाठ्यक्रम। अब हम बात करेंगे हमारे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की। दोस्तों, प्रतिदर्श पत्र को दो भागों में इस बार डिवाइड किया गया है, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ आपका पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे और ये 40 नंबर का है। इसके अलावा खंड बा आपका पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णात्मक है और इसका अंक भार भी हमारा 40 ही है। दोस्तों, जहां हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अपठित गद्यांश पर है और दोनों ही क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई है। दोनों ही क्वेश्चन के इंटरनल चॉइसेस में आपके 5-5 MCQs पूछे गए हैं और 5ों ही MCQs आपको करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका व्यवहारिक व्याकरण से स्टार्ट होता है जो कि पदबंध है। पदबंध आपका एक नया ऐड किया गया टॉपिक है। इस पे आपको 5 MCQs दिए हैं जिसमें से सिर्फ आपको 4 MCQs करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है। दोस्तों, ये टॉपिक आपको पहले भी पूछा जाता था लेकिन आपको अति लघु फॉर्म में पूछा जाता था और इसका अंक भार भी उस टाइम 3 था। अब ये 4 अंक भार का है और MCQs फॉर्म में पूछा जाएगा जिसमें आपके पास 5 MCQs होंगे और 4 MCQs आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका समास है। समास भी आपने पहले पढ़ा है, वो भी आपने अति लघु फॉर्म में पढ़ा है लेकिन उसका अंक भार पहले 4 था और अब भी 4 है। अभी MCQs फॉर्म में है, 5 MCQs आपको दिए जाएंगे और 4 MCQs आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुहावरे है। मुहावरे में आपको 4 ही MCQs दिए जा रहे हैं और 4ों के 4ों आपको करने हैं। इसमें कोई भी इंटरनल चॉइस आपको नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जो कि एक पठित काव्यांश है। यह काव्यांश आपका स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। दोस्तों, इस काव्यांश में आपको 4 MCQs दिए जा रहे हैं और 4ों ही MCQs आपको करने हैं। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 तथा 9 पठित गद्यांश है। ये क्वेश्चन भी आपके स्पर्श भाग 2 से आधारित है। इनका जो आधार है, जो अंक भार है, वो 10 नंबर का है। दो गद्यांश आपसे पूछे जा रहे हैं, दोनों गद्यांशों में आपको 5-5 MCQs दिए जा रहे हैं। 5-5 MCQs करने ही अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ तक का था हमारा खंड आ जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव था, पूरा MCQs बेस्ड था। अब हम बात करते हैं खंड बाकी जो कि वर्णात्मक है और जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक अति लघु फॉर्म में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि स्पर्श भाग 2 से ही रिलेटेड हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी आते थे और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में एक अनोखा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। ये बेसिकली हॉर्स क्वेश्चन है, उच्च चिंता क्षमता पर आधारित। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में पढ़ के तब आपको इसका आंसर देना होगा क्योंकि इसमें कोई इंटरनल चॉइस भी आपके पास नहीं है और एक ही क्वेश्चन का अंक भार आपको 4 नंबर का दिया गया है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका संचय से रिलेटेड है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 ही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं विद इन अ वर्ड लिमिट। अब हम बात करते हैं लेखन की। लेखन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है,
इसमें अनुच्छेद पूछे गए हैं। 3 अनुच्छेद आपको दिए जाएंगे संकेत पे आधार पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक अनुच्छेद करना है। इसका अंक भार 6 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 की। 14 क्वेश्चन आपका पत्र से आधारित है, 15 क्वेश्चन आपका सूचना से आधारित है और 16 क्वेश्चन आपका विज्ञापन से रिलेटेड है। तीनों ही टॉपिक आप पहले पढ़ भी चुके होंगे और आपने इस पे बहुत मेहनत करी भी होगी, तो आई होप जो इंटरनल चॉइसेस आए वो आप अटेम्प्ट करके बहुत इजीली इसका आंसर कर सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लघु कथा लेखन जो कि नया ऐड किया गया टॉपिक है उस पे आधारित है। इसमें एक बात हम आपको बता देते हैं, पाठ्यक्रम में हमने आपको बताया था कि ये लघु कथा लेखन प्रस्थान बिंदु पर आधारित है, जबकि अगर हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें आपको एक शीर्षक दिया गया है जिसके बेस पे आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए एक लघु कथा लिखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा अभी तक का पाठ्यक्रम और प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।